राजा छत्रसाल जुदेव के पहले बीज उदय हुआ जहां पुरी नौतन सब पुरियों में उत्तम हुई धन धन। निजानंद संप्रदाय का बीज जो अंकुरित हुआ और एक बट वृक्ष होकर आज समाज विश्व जिसकी शीतल छाओ में सुख का अनुभव कर रहा है, उस परम पावन भूमि धराधाम से पधारे श्री श्री 108 कृष्णमणि महाराज जी को मैं हृदय तल से सादर वंदन अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। धामधनी के अति प्यारे लाडे सुंदर सास जी, आज एक नाटिका के माध्यम से ये बच्चे आप तक महाराजा छत्रसाल जी कहा गया है, छत्रसाल तुम बन जाओ करो धर्म प्रचार, जागनी ब्रह्मांड में तब होगा सबका बेड़ा पार। आज हमें संकल्प लेना ही होगा कि हम सब अपनी आत्मा को जागृत करके अरदास करें धामधनी से कि वे हमें भी छत्रसाल महाराज जी की तरह वो आत्मबल प्रदान करें कि हम भी अपने धर्म अपने समाज के लिए कुछ कर सके। ये बच्चे आज आपके समक्ष बिना रिकॉर्डिंग के धामधनी के हुकुम उनकी मेहर और आप सभी के आशीर्वाद से आप सबके हृदय तल को छूने का प्रयास कर रहे हैं। एक जोरदार जयकारे के साथ धामधनी के प्यारे प्यारे लाडे निस्बती सुंदर साथ का आगाज कीजिए ताकि ये आपके हृदय तल को छू सके। प्रणाम बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की नृत्यकार जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महाराजा श्री छत्रसाल महाराज की जय। आज इस कार्यक्रम में जो बच्चे भाग ले रहे हैं मैं उन सबका परिचय देना चाहूंगी। प्राणनाथ जी बने हैं दर्श, महाराजा छत्रसाल जी सागर और उसके अलावा राज्य के 14 अंग जो हमारे ग्रंथ है, राज्य के ग्रंथ है, वो 14 अंक किस तरह से है और उन भूमिका को निभाया है, अभिक्रम संयम हृदय आधार अहाना भावी आना अध्ययन माहिरा अर्पिता आन्या एक्षा मेहर कशिश अर्शिया अंशिका आर्वी अविका। और इसके साथ में आपको परिचय देने के लिए अर्श और लव्य। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि हर बार की तरह नृत्य जो निर्देशन है वो पूजा जी ने किया है और हमारा साथ दिया है सोनिया कटारिया जी ने और रंजना जी ने। प्रणाम जी। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी छत्रसाल प्रणामी नवयुवक सभा का और साथ ही हमारी प्रणामी पंचायत का जिनके तत्वावधान में ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। Thank you.
Thank you.
हम चरणों के आधार से ही जमीन पर बैठते हैं, चलते हैं, साथ ही चरणों के आधार पर ही जमीन पर उतरते हैं। जब हम परम धाम से इस संसार में आए तब हमारा आधार प्रेम भी संसार में आया। जब श्री राज ग्रंथ को श्री राज जी के चरणों की शोभा इसलिए दी गई है क्योंकि जब श्री राज जी के चरण इस संसार में आए तब इस संसार में प्रेम आया। प्रेम के आने से श्री राज ग्रंथ को श्री राज जी के चरणों की शोभा दी गई। जब हम किसी के प्रति प्रेम या आदर का भाव रखते हैं तब हम खुद को उनके चरणों में समर्पित करते हैं। जब श्री राज जी की शोभा श्रृंगार स्वरूप का वर्णन किया जाता है तब हम सर्वप्रथम श्री राज जी के चरणों का ध्यान करते हैं और उन पर वारी वारी जाते हैं। चरणों में प्रेम जुटाने से जहाँ ये चरण आ जाते हैं वहाँ स्वरूप आ जाता है। रास से हमारे अंदर प्रेम का बीज उत्पन्न होता है और इसलिए श्री रास ग्रंथ श्री राज जी के चरण है।
सनम कमर। कमर हमारे शरीर का मध्य भाग है। हमारा ऊपर का शरीर और नीचे का शरीर कमर के आधार पर बंधा हुआ है। कमर या रीढ़ शरीर को दृढ़ता प्रदान करती है। श्री सनम कमर को श्री राज्य के कमर अंग की उपमा दी गई है। श्री सनम वाणी में वेद पक्ष और कथित पक्ष को जोड़कर उनका स्पष्टीकरण किया गया है। इसमें हिंदू पक्ष की हवाइयों तथा कुरान की आयतों का वास्तविक और वर्णित करके उनका प्रमाणों से खुलासा किया गया है। इसलिए श्री सनम ग्रंथ को श्री राज्य के कमर अंग की शोभा दी गई है। किरंतन ग्रंथ को श्री राज्य के कर अर्थात हाथ की शोभा दी गई है। जिस तरह जीवन चलाने के लिए हाथ से कर्म अर्थात कमाई करनी पड़ती है, उसी तरह धनी जी के चरणों की तरफ कैसे चलना है, कैसे अपने आध्यात्मिक जीवन की आत्मिक कमाई करनी है, यह किरंतन में स्पष्ट किया गया है। हाथों से ही परमात्मा की वंदना की जाती है, कीर्तन या किरंतन किया जाता है। संसार में रहते हुए जीवन को जीते हुए कैसे परमात्मा को प्राप्त करना है, यह सब किरंतन में वर्णन किया गया है। हमारी कहनी करनी और रहनी सबका आधार किरंतन ग्रंथ है। इसलिए किरंतन को कर यानी श्री राज्य के हाथों की शोभा दी गई है। शोभा है। शिवाजी के कंठ से निकला हुआ है सागर
हमें आत्म सुख प्रदान करता है। इसीलिए सागर भक्त को श्री वाजी के कंठ की शोभा दी गई है। सिंगार मुखार बिंद, सिंगार ग्रंथ को शिराजी के मुखार बिंद की शोभा दी गई है। धनी का दिल इतना प्रेमयी है, इष्ट से परिपूर्ण है कि वही प्रेम उनके मुखार बिंद पर नजर आता है। मंडल से ही किसी व्यक्ति की सुंदरता तेज शोभा का ज्ञान होता है। उसी तरह सिंगार वाणी द्वारा शिराजी के नूरी स्वरूप का उनके सिंगार का आनंद रस प्रकट होता है। इसलिए सिंगार ग्रंथ को शिराजी के मुखार बिंद की शोभा दी गई है। सभी धर्म ग्रंथों का सार सुना है, परंतु मेरे मन में अभी भी कुछ प्रश्न।
छत्रसाल जी, आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं आप पूछ लीजिए। स्वामी जी, ये कर्मकांड क्या होते हैं, क्या इनसे मोक्ष पाया जा सकता है? छत्रसाल जी, भौतिक लौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा किए गए आध्यात्मिक कार्यों को कर्मकांड कहा जाता है। जब तक मनुष्य के अंदर आत्म जागृति नहीं होगी, तब तक मनुष्य इन्हीं कर्मकांडों में उलझा रहेगा और बार बार जन्म मन के चक्र में फंसा रहेगा। तब जन्म मन के चक्र से कैसे निकला जा सकता है? मैंने बताया ना कि आत्म जागृति के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। आत्म जागृति कैसे होगी? आत्मा को जागृत करने के लिए अपनी इंद्रियों और मन पर संयम रखना ही मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हम अपने मन और इंद्रियों पर संयम कैसे रख सकते हैं? जब मन पर काम, क्रोध, ईर्ष्य, द्वेष आदि का वास नहीं होगा, तभी मन निर्मल होगा। स्वच्छ और पवित्र मन में ही निर्मल मन का वास होता है। आज मुझे रोज स्नान करने से भी तो शरीर स्वच्छ और पवित्र होता है। हमारी देह पवित्र होती है हमारे कर्मों की पवित्रता से। हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिसे किसी को दुख या कष्ट न हो। जब हमारी देह पवित्र होगी तब उसमें निर्मल मन होगा और निर्मल मन में ही श्रम ब्रह्म का वास होता है। हे स्वामी जी, आज मुझे पता चल गया कि यदि हम ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट आदि से रहित कर आत्म जागृति करें तो भी उसमें ब्रह्म का वास हो पाएगा। हम सभी संतसार का कर्तव्य है कि हमें अपने धाम धनी को प्रसन्न रखने के लिए सभी से समान रूप से प्रेम व्यवहार करना चाहिए। तभी हम अपने धनी को अर्जी कर उन्हें अपने दिल में विश्राम करा सकते हैं। अर्ज तुम्हारा मेरा रहे तब आई करो आराम, हम सभी संकल्प लेते हैं कि हम जब तक इस जागृत ब्रह्मांड में है रेणु के समान एक होकर रहे। प्राणनाथ प्यारे की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, श्री महाराजा छत्रसाल जी की।